हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, जिस तरीके से परिस्थितियाँ बदल रही हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर महमूद शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरेबिया तक को धमकी दे दी है कि अगर आप OIC की मीटिंग नहीं बुलाते हैं तो अगले ऐसा हो सकता है कि हम लोग अपनी एक पर्सनल मीटिंग बुला लें और पाकिस्तान की लीडरशिप के अंदर जो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट कंट्रीज़ हैं उनका साथ लेने को मजबूर हो जाए। खुले तौर पर सऊदी अरेबिया को धमकी दी, तो ऐसे में सवाल उभर कर आया और पूरे का पूरा जो सऊदी या इस्लामिक वर्ल्ड है उसके बीच में उसके बारे में एक बहस शुरू हुई कि क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो सऊदी अरेबिया को चैलेंज करके नया वर्ल्ड लीडर या नया इस्लामिक लीडर बनने की कोशिश कर सके या बन सकता है। तो ऐसे में जब बहस शुरू होती है तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये आती है कि असलियत में कोई भी वर्ल्ड कोई भी कंट्री अगर इस्लामिक लीडर बनता है जिसमें सऊदी अरेबिया सबसे मेन है, तो उसके पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से या जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि वो जो कंट्री है वो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडरशिप अचीव कर सकती है या लीडरशिप कर ले सकती है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर हम देखते हैं सबसे पहली बात, तो वर्ल्ड लीडर कोई भी, दुनिया का कोई भी देश अगर वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है, जिस जैसे कि आज अमेरिका है, तो सबसे पहले उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को देखना पड़ेगा कि उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ यानी आर्थिक मजबूती कितनी ज़्यादा है, कितने ताकतवर तरीके से वो दूसरी दुनिया को या बाकी दुनिया के देशों को लीडरशिप दिखा सकता है या रास्ता दिखा सकता है। दूसरा, उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर दबदबा होना चाहिए। अगर तीसरा एग्जांपल यहाँ पर देखा जाए तो आइडियोलॉजिकल लीडरशिप होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो आइडियोलॉजिकल लीडरशिप है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, खासकर जब मामला धर्म का हो जाए। तीसरा, कल्चरल डोमिनेंस होना ज़्यादा ज़रूरी है, और एक इस तरीके का कल्चर हो जो उस पर्टिकुलर रिलीजन की पहचान बन जाए। उसके बाद अगला जो पार्ट है वो है हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर करेगा। अगर आप धर्म की बात करोगे या रिलीजन की बात करोगे, ऐसे में अगर इस्लाम की बात की जाती है और पाकिस्तान को असेस करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप साइंस टेक वाले इशू को छोड़ दीजिए, बाकी सभी मामलों के अंदर पाकिस्तान को हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या पाकिस्तान यहाँ पर किसी भी तरीके से मैटर कर रहा है या पाकिस्तान किसी भी तरीके से यहाँ डोमिनेट कर रहा है या इन क्राइटेरिया के अंदर पाकिस्तान पास हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। साइंस एंड टेक को हम छोड़ देते हैं क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड का मामला है और ये मामला पूरा का पूरा रिलीजन की फॉर्म में जाता है, तो इसलिए हम इस्लामिक वर्ल्ड को के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छोड़ देते हैं और यहाँ पर रिलीजियस इन्फ्लुएंस में आइडियोलॉजिकल लीडरशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो सऊदी अरेबिया के पास आज के दिन मौजूद है, सबसे ज़्यादा अमीर देशों में से एक काउंट होता है, पैसे की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा तेल वो प्रोड्यूस कर रहा है और इकोनॉमी के मामले के अंदर वो दुनिया में किसी भी दूसरे देश से कहीं ज़्यादा पावरफुल इस टाइम पर नज़र आ रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर दूसरा जो सबसे बड़ी, लेकिन यहां अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान यहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से यानी आर्थिक जो संकट है उससे गुजरता हुआ नज़र आ रहा है पहले, और इसके मामले में ऐसा नहीं है आज ही हो, ऐसा ये शुरू से ही है, आज से नहीं, पाकिस्तान शुरू से ही है इस मामले में। कभी वो अमेरिका से दी हुई कर्ज के रकम के ऊपर डिपेंड होता है और आज के दिन पूरी दुनिया को पता है, और मैं भी बार बार अपने वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के मामले में चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसी सिचुएशन में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा कारगर नहीं सिद्ध हो पा रही, पाकिस्तान के फेवर में सिचुएशन नहीं जा रही। यहां अगर साइंस एंड टेक की जगह मैं मिलिट्री ले देता हूं तो इस मिलिट्री की टर्म्स के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो मिलिट्री टर्म्स में भी पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान जो है ये कह सकता है कि दुनिया का इकलौता न्यूक्लियर कंट्री है और जो इस्लाम को फॉलो करता है, यानी दुनिया का ऐसा इकलौता ऐसा इस्लामिक देश है जो कि न्यूक्लियर कंट्री है। तो ऐसी सिचुएशन में ये बात पाकिस्तान के फेवर में काफ़ी हद तक जाती है कि उसे ये लीडरशिप मिलनी चाहिए, लेकिन ये लीडरशिप मिल तो जाएगी, लेकिन क्या वो उस न्यूक्लियर आर्सेनल का या न्यूक्लियर बॉम्ब्स का या न्यूक्लियर मिसाइलों का क्या वो खुले तौर पर सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएगा, या फिर
विदाउट एनी प्री डिस्कशन या विदाउट एनी प्रेशर वो इस्तेमाल कर पाएगा, उसके ऊपर सवालिया निशान है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान जिस तरीके से अपने दावे को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और सऊदी अरेबिया को धमका रहा है, भले ही सऊदी अरेबिया के पास न्यूक्लियर पावर ना हो, लेकिन जिस तरीके से वो पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर डोमिनेंस रखता है, OIC के ऊपर उसने लगभग पिछले 69 से लेकर अब तक पूरा डोमिनेंस रखा, 57 कंट्रीज़ को एक लाइन में रखा और पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड पर डोमिनेंस रखा अपनी इकोनॉमी की पावर की वजह से और अपनी आर्मी की वजह से। भले ही उसके पास न्यूक्लियर पावर ना हो, लेकिन आर्मी का होना उसके सबसे ज़्यादा फेवर में गया है। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के फेवर में मिलिट्री भले ही हो और मिलिट्री के मामले में न्यूक्लियर कंट्री ये भले ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा पावरफुल सऊदी अरेबिया आर्म्स की फॉर्म में तो ज़रूर है, आर्मी की फॉर्म में भले ही ना हो, लेकिन आर्म्स यानी हथियारों की फॉर्म में ज़रूर है। और अमेरिका से मंगवाए हुए हथियार जो हैं वो हमेशा उसके फेवर में जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरे एरिया के अंदर उसका एक दबदबा इस आर्म्स यानी हथियारों के दबदबे की वजह से भी है। अगली सिचुएशन आइडियोलॉजिकल लीडरशिप के मामले में अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो आइडियोलॉजी, कल्चर और हिस्ट्री, इन तीनों के मामले में पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूज्ड नेशन है। और यहाँ पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तीनों के मामले में ये है कि नथिंग, उसके पास इस मामले में कुछ भी नहीं है। अपने आप को मुसलमान कहलाने के अलावा पाकिस्तान के पास और कोई भी ऐसी प्लस पॉइंट नहीं है जिससे वो डोमिनेट करके या ताकतवर तरीके से ये कह सके कि पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो इस्लाम का पहले भी रक्षक रहा है और अभी भी रक्षक रहा है। अगर आप सऊदी अरेबिया को देखें, चाहे उन्होंने वहाबिज़्म चलाया चाहे कोई और, लेकिन वो एक आइडियोलॉजी थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही थी। टर्की को देखा जाए तो टर्की के पास भी बहुत बड़े नंबर के टर्की ने अपने जब ये डोमिनेंस को क्लेम करना शुरू किया तो उस डोमिनेंस के अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो उस डोमिनेंस की सबसे बड़ी खास बात या प्लस पॉइंट ये है कि टर्की जो है वो ऑटोमन एम्पायर की ही लीगेसी की फॉर्म में है। सऊदी अरेबिया भी अरेबियन एम्पायर की लीगेसी की फॉर्म में अगर है, जिसने स्पेन तक राज किया, तो टर्की आज के दिन वो भी ऑटोमन एम्पायर की लीगेसी की फॉर्म में ही आगे बढ़ रहा है और दावा ठोक कर कहता है कि हम ऑटोमन एम्पायर के ही वंशज हैं। यहाँ ईरान जो है वो भी अपने आप को पर्शियन एम्पायर से जोड़कर आगे खड़ा करता है, लेकिन पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के पास ऐसा दावा ठोकने के लिए दूर दूर तक कुछ भी हिस्टोरिकली तो मौजूद है नहीं। अगर कल्चर की बात करते हैं तो टर्क्स का अपना कल्चर है, अरब्स का अपना कल्चर है, ईरानियंस का अपना कल्चर है, सेंट्रल एशिया का अपना कल्चर है, अरब कंट्रीज़ जो पूरी की पूरी हैं उनका अपना कल्चर है, इंडोनेशिया का अपना कल्चर है, मलेशिया का अपना कल्चर है। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि कल्चर भी इन लोगों का मांगा हुआ है। मांगा हुआ किस तरीके से कल्चर है, मांगे हुए कल्चर की बात ये है कि पाकिस्तानी कल्चर में, पाकिस्तान के अगर कल्चरली देखा जाए तो पूरे के पूरे पाकिस्तान को यूरोप, अमेरिका से लेकर अरेबियन कंट्रीज़ तक में या टर्की तक के अंदर यूँ कभी नहीं कहा जाता कि ये लोग पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान से। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री ठीक है, लेकिन इनका जो कल्चर है वो इंडियन कल्चर माना जाता है क्योंकि इंडियन कल्चर का डोमिनेंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। चाहे वो पठानी कुर्ते से लेकर खान पान से लेकर सब कुछ, या तो वो पंजाबी कल्चर है जिसमें हिंदू ज़्यादा मिलते हैं, या फिर वो क्या नाम है और दूसरे कल्चर्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर और यही कल्चरल आइडेंटिटी का जो क्राइसिस था उसी के चलते इसका पार्टीशन भी हुआ। तो पाकिस्तान यहाँ पर भी फंसता हुआ नज़र आता है या यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स की फॉर्म में नज़र आता है कि कैसे किस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसके पास अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है ही नहीं। हिस्टोरिकल आइडेंटिटी की अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान के पास अपनी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी भी नहीं है, क्योंकि सारी की सारी हिस्ट्री जो है वो इंडिया से ओरिजिनेट होती हुई नज़र आती है। चाहे बाबर आया, चाहे हुमायूं, अकबर से लेकर सल्तनत पीरियड आया, जो भी आप अगर नाम लेंगे उन सब के दरगाह, मकबरे और जो किले हैं, रूलर है, सब चीज़ें या तो दिल्ली और आसपास के इलाकों से ही चलती आ रही हैं। तो और यही एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की प्रॉब्लम रही है कि पाकिस्तान चाह कर भी अपने आप को मुगलों से नहीं जोड़ पा रहा। तभी आप देखोगे अगर वो अपनी बाबर का अपनी मिसाइलों का नाम रखता है तो वो बाबर तो रखता है, हालांकि बाबर उज़्बेकिस्तान से आया था,
लेकिन वो शाहीन रखेगा जो ईरानियन वर्ड है, और वो अब्दाली रखेगा जो अफगानी वर्ड है। वो कभी भी अकबर या औरंगजेब वर्ड नहीं रखता, क्योंकि अकबर और औरंगजेब की सारी विरासत तो इंडिया के अंदर मौजूद है। ऐसे में पाकिस्तान हिस्टोरिकली भी एक क्राइसिस से गुजर रहा है, जिसके अंदर जानबूझकर वो पूरी कोशिश कर रहा है अपने आप को अलग दिखाने की, लेकिन उसके पास हिस्ट्री के अंदर कुछ कहने के लिए है नहीं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर टर्की या टर्की जो है वो, या पर्शिया या जो अरब है, ये लोग भी डोमिनेट कर जाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न भी ये है क्योंकि इंडिया के जितने सुल्तान हुए हैं, खासकर बाबर से पहले वाले जितने भी सुल्तान हुए हैं, इन सब ने कहीं ना कहीं टर्की के खलीफा यानी ऑटोमन एम्पायर वाले खलीफा से खिल्लत प्राप्त की है। और उस खिल्लत की वजह से, या उस खिल्लत के, या तो वो बगदाद के खलीफा से खिल्लत ले रहे थे या फिर ऑटोमन एम्पायर के खलीफा से खिल्लत ले रहे थे। तो ऐसे में यानी रिकग्निशन ही अगर उधर की थी तो वो दोनों ज़्यादा डोमिनेट करते हैं कंपैरेटिवली इंडिया में रूल करने वाले इस्लामिक रूलर से या मुस्लिम रूलर से। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान हिस्ट्री के मामले में भी कहीं ना कहीं भिखमंगा टाइप का है, भीख मांगता हुआ नज़र आ रहा है, दूसरी हिस्ट्रीज़ के, दूसरे देशों की हिस्ट्री के ऊपर क्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है, या चोरी करता हुआ नज़र आ रहा है, कोशिश करता है अपने आप को किसी ना किसी ग्लोरीफाइड हिस्ट्री से जोड़े। और यही रीज़न है कि उधार की हिस्ट्री के ऊपर जीने की इसे इस देश को आदत पड़ गई है। तभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास अपना तो कुछ बनाने के लिए है नहीं, तो उन्होंने एर्तुगरुल गाजी नाम के जो वो वॉरियर थे, जो टर्किश वॉरियर थे, ऑटोमन एम्पायर जिन्होंने इस्टेब्लिश करवाया था, उनको अपने देश में कहते हैं कि इसे देखो, असलियत में वो कल्चरल रेवोल्यूशन होगा और अरब के डोमिनेंस को पाकिस्तान के ऊपर से ख़त्म करके टर्की के डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करेगा। यानी यहाँ पर पाकिस्तान के साथ दूसरी सबसे बड़ी एक मेन प्रॉब्लम ये है कि इनके पास किसी भी तरीके की अपनी जो है कल्चरल डोमिनेंस नहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेन आ रही है आइडियोलॉजी की, भाई आइडियोलॉजी या तो टर्किश आइडियोलॉजी होगी जो ऑटोमन एम्पायर की लीगेसी की फॉर्म में होगी इस्लाम के मामले में, या फिर इस्लाम के मामले में सबसे बड़ा जो क्लेम इस्लाम के मामले में अगर आइडियोलॉजी का है तो वो सबसे पहला क्लेम जो है वो सऊदी अरेबिया का है और सुन्नी वर्ल्ड को वो डोमिनेट करता है। इसी तरीके से दूसरा क्लेम जो आइडियोलॉजी के मामले में है वो ईरान का है जो शिया वर्ल्ड को डोमिनेट करता है। पाकिस्तान यहाँ पर भी फंस के रह जाता है, पाकिस्तान के पास अपनी यहाँ कोई आइडियोलॉजी भी नहीं है ना तो कल्चर। अब बांग्लादेश क्यों अलग हुआ, क्योंकि बांग्लादेश की अपनी कल्चरल आइडेंटिटी थी, बांग्लादेश के पास अपना सांस्कृतिक पहचान थी कि मेरी संस्कृति बांग्ला है, हम इस्लाम को मानते हैं लेकिन बंगाली हैं। इंडोनेशिया की अपनी संस्कृति है लेकिन धर्म बंगाल है, मलेशिया की अपनी कल्चर है लेकिन धर्म इस्लाम है। इसी तरीके से अगर आप दूसरी चीजों में देखें, पाकिस्तान यहां क्राइसिस में है। पाकिस्तान भले ही यहाँ पर क्लेम कर रहा है कि हम दुनिया के अंदर वो ताकतवर तरीके से दुनिया को हम रक्षक की फॉर्म में उभर सकते हैं या कुछ भी, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हर चीज़ नेगेटिव जा रही है, सिर्फ दो तीन चीज़ों को छोड़कर, जिसमें से एक ये है कि वो मिलिट्री के मामले में न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर पावर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लेम नहीं कर पा रहा जितना कि उसका रिलीजन की फॉर्म में इस्लाम, और इस्लाम के अंदर भी उसके दावेदारी को चैलेंज करने वाले दूसरे बहुत सारे देश हैं। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान की लीडरशिप इस्लामिक वर्ल्ड की फॉर्म में रिजेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन क्या पाकिस्तान कभी भी इस्लामिक वर्ल्ड का डोमिनेट नहीं, मतलब इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर नहीं बन सकता? बन सकता है। कब बन सकता है वो समझ लीजिए। पाकिस्तान इस्लामिक लीडर का, इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर तभी बन पाएगा जब उसे चाइना जैसे किसी देश का सपोर्ट मिलेगा और चाइना खुलकर ये पाकिस्तान को सपोर्ट करके ये कहेगा कि ठीक है आप हमारी तरफ से अपनी दावेदारी पेश करो, हम अपनी तरफ से आपको सपोर्ट करेंगे ताकि सऊदी अरेबिया का डोमिनेंस पूरी दुनिया के अंदर से, खासकर दुनिया के इस्लामिक वर्ल्ड से ख़त्म हो सके। क्योंकि यहाँ पर चाइना तिलमिला रहा है अमेरिका के डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए, और अमेरिका का एक डोमिनेंस इस्लामिक कंट्रीज़ के ऊपर भी है सऊदी अरेबिया की मदद से। तो चाइना हमेशा कोशिश करेगा कि इस्लामिक दुनिया के ऊपर से अमेरिका का दबदबा ख़त्म हो, अमेरिका का प्रभाव ख़त्म हो। अब अगर अमेरिका का प्रभाव ख़त्म करना चाहता है चाइना, तो उसके लिए उसे एक सऊदी अरेबिया के सामने खड़े होने लायक शक्ति की ज़रूरत है। तो वो इस मामले में हो सकता है पाकिस्तान को चूज़ करता हुआ नज़र आए और वो ये कहे कि ठीक है पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा और एक ग्रुप बनाकर खड़ा कर देगा। उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान अपनी औकात नहीं है, भिखारी देश है।
लेकिन पाकिस्तान के अलावा अगर आप देखें, जब चीन उसके पीछे खड़ा होगा तो संभावना है कि एक कठपुतली सही, लेकिन वो इस्लामिक दुनिया के लिए कहीं ज़्यादा खतरनाक होगा या कहीं ज़्यादा अपमानजनक होगा कि उनका जो वर्ल्ड लीडर है या उस इस्लामिक दुनिया का जो लीडर है वो चाइना का कठपुतली है, तो वो अपमानजनक ज़रूर होगा लेकिन बन सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।